कामयाबी आज दिख रही है। यह सरकार गिरे या आई उससे मतलब नहीं है। यदि यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा तब बनेगा जब दादा का परिवार और हम सब परिवार को न्याय मिलेगा। राजपूतों ने हमेशा इस देश को बलिदान दिया है और दे दिया है, हम तब तक और देंगे। क्या हमारी मिली थी, उसके बावजूद क्या किया था हम सब राजपूतों ने? एक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद क्या हुआ था? निर्णय हुआ था कि भाई गहलोत सरकार को हमने आगाज कराया था, कानून को आगाज कराया था कि दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। धमकी पे धमकी मिल रही थी, धमकी पे धमकी मिल रही थी। ये राजनीतिक की रोटियां पे सेकने पे इनको टाइम कहां था? इन्हें तो चुनाव लड़ने का टाइम था और उस वक्त इन्हें इतनी सी ज्ञात नहीं था कि धमकियां मिल रही, सारा इंटरनल पूल जब हथियार आ रहे सब कुछ पता था, सब कुछ मालूम था, फिर भी क्या इनको इतना मालूम नहीं था कि दो गार्ड छोड़ सकते? भैया पिछले दो साल से दे रहे हैं आचार संहिता, आचार संहिता के चलते उनके हथियार ले लिए, उसकी उसी बीच में इस तरीके का आचार संहिता के लिए उनके हथियार ले लिया, तो दूसरे हथियार आपको मालूम नहीं? कितने मीडिया वालों को मालूम नहीं कौन से हथियार कहाँ से आते हैं, कितने हथियार किसके पास रहते हैं? हथियार तो पहले से लाके रखे थे, या तो गवर्नमेंट मिले या गहलोत सरकार मिले, इनकी